होता है, लेकिन वो पहले भी कह चुका कि आजकल तो जमाना ही ऐसा आ गया कि 52 गज का दामन पैर मटक चल लूंगी, मटकनो चालनो भाई सूट सिलवार में मटक ले जरूरी है तेरे बोझ ठाणो। लेकिन ये बोल कहां जा रही है हमारे संस्कृति, कहां जा रहे हैं हमारे संस्कार, कहां जा रहा है हमारा देश। इस और सभी सोच के देखिएगा कि बहुत पुराना गुप्त भेद एक पतला उसू आज करने और अजमावण खतरी मंत्र में अजमावण
होगे पुत्र रतन साथ रवि प्रकट होगे पुत्र रतन एक दानिया लोक राज का ध्यान किया लोक राज का ध्यान किया पर सर पाऊ लेकिन होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कुंती की 15 साल की आयु और बेटा मेरी गोख मैं तू, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एक माँ दर्द सहती है पीड़ा सहती है अपनी औलाद को पैदा करते वक्त वो सारे दर्द वो सारी पीड़ाएं मैंने भी सही है। तो कर्ण बेटा तो तू मेरा ही है। नंबर 3 में क्या बताया कुंती ने, महीने तकलीफ सही मननो महीने तकलीफ सही तू भार गर्भ थे आया था थोड़ी देर छाती कहला के मन तेरा लाडी लड़ाया था फिर लोक लाज के बहते बेटा उस दासी को संग उड़ाया था और कर कर बंधे पिटारे में कर कर बंधे पिटारे में तन जल के बीच कर बंधे सारी
मजबूरी बता दी कि रे बेटा 15 साल की आयु कोख में बेटा घर और समाज के सामने मैं जा ही नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने तेरा लाड भी लड़ाया, आंखों में पानी भी आया और फिर उस दासी को संभाया और तेरे को पानी भी चबा दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, फिर भी मातरी मैं ही हूँ, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है और गर्भ होना चाहिए हर माँ को, ऐसी माँ भी हुई है। देखिएगा नंबर 4 में क्या बता दिया, तेरी खास जन्म एड़े आड़ी सू, खास जन्म है एड़े आड़ी सू, मूल चंद कोई और नहीं, होण हारे ही नो हाय, खास जन्म है एड़े आड़ी सू, मूल चंद कोई और नहीं, लोक लाज का बह बखतावर करया उसी दिन सोर नहीं, होण हारे है पर बल होश है इस पैगन पथ का कोर नहीं, और धर्मपाल सिंह के करिए जब मेरे हाथ में डोर नहीं, धर्मपाल सिंह के करिए